यहाँ पर हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो है वो सॉल्व ही करा दीजिए। अगर ठीक है देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो आपको सॉल्व ही करा देंगे, क्योंकि यार वीडियो बनाने में और पेपर को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाता है, और हर एक जिले का मुझे पेपर प्रोवाइड करना पड़ रहा है। जो बच्चे हैं वो सेंड करते हैं, मैं उसे कलेक्ट करता हूँ, फिर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो जो बच्चे सेंड कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना आप लोग मतलब कि आप लोग प्रोवाइड करते हैं, मेहनत करते हैं हमारे लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स का है। 3 घंटे 15 मिनट, आपके जिले के अनुसार ये पेपर आ सकता है। तो देन आप लोग क्या करिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपका पेपर है तो इसको आप तैयार करके ही जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप इसको तैयार मत करिए, इसको तैयार करके ही जाइएगा। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर इस समय चल रहा है, सभी यूपी बोर्ड के स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है पेपर, तो क्लास 12 फिजिक्स का है, आप इसको देख लीजिए और तैयार करके जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा, और यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी, सारे प्रश्न आए हुए हैं, सारे प्रश्न आए हुए थे। ऐसे नहीं है कि आपका सिर्फ जैसे कि बोर्ड एग्जाम होता है सेम टू सेम आया था, बस हाँ सिलेबस आपका क्या था, अलग अलग था, इसका अलग था और उसका अलग था, दोनों का सिलेबस जो है अर्धवार्षिक का और उसका आपका अलग अलग पेपर बना हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 8 कूलाम का है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है कि 5 × 10^19 या 2.5 × 10^19 या 2.8 × 10^19 या फिर 1.6 × 10^19। तो 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, आप लोग इसको सॉल्व करके जाइएगा। फिर खंड ख यहाँ पे, एक भी बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत चुम्बकीय स्थिति है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, (Ne)/ε₀, (2E)/ε₀, (2Ni)/ε₀ या फिर शून्य, कितना होगा यहाँ पे है। उसके बाद गए यहाँ पे, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, एक कोई गोलाकार चालक है उसकी त्रिज्या कितनी, 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता है, इसकी विद्युत धारिता कितनी होगी, 10^9 फैरेड, 9 × 10^9 फैरेड, 9 × 10^-19 फैरेड या फिर 10^-19 फैरेड कितनी होगी। फिर यहाँ पे घ वाला प्रश्न है कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, कौन सा बड़ा दर्पण है, समतल दर्पण है, क्या यहाँ पे समतल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। उसके बाद अंग वाला प्रश्न की, दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर है और -2 डायोप्टर है, तो संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, देख सकते हैं कितने आए थे आपके, 6, 5 यहाँ पे कुल बहुविकल्पी प्रश्न इस बच्चे के पेपर में आया हुआ है। बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं, वो अलग अलग पेपर बनाते हैं, तो में भी हो सकता है आपके स्कूल में यही पेपर आ जाए, जरूर नहीं है कि वो अलग ही पेपर बनाए, यही पेपर आ जाएगा तो यार इससे अच्छा और क्या होगा, आराम से आपके पेपर में आएगा और जाइएगा छाप के चले जाएगा। कोई टेंशन लेने का यार, टेंशन उंशन नहीं लेने का यार, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का यार, टेंशन क्यों लोगे आप लोग, इतना टेंशन आपको नहीं लेने का, केवल आपको टेंशन क्या है देने का, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 है, 2 का क्या यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। कभी कभी मात्रक भी पूछ लेता है, तो मात्रक सूत्र सब याद कर लेना यार। इससे बाहर देख, जितने भी मैं आपको हाफ ईयरली का पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या बताइए कोई अलग से आ रहा है क्या, कोई अलग से क्वेश्चन आ रहा है, नहीं, बल्कि वही जो क्वेश्चन हुआ है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार बस वही आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो देन आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर यहाँ पे ख वाला है, ख वाला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ख वाला बोल रहा है कि सर वैद्युत धारिता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। फिर घ यहाँ पे कह रहा है कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। और घ यहाँ पे, 1 माइक्रोफेराडे के 4 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ने पर तुल्य धारिता 1 माइक्रोफेराड होगी, चित्र आपको सहित आपको समझाना है। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, तो प्रतिरोध आपको कितने गुना हो जाएगा ये बताना है। तीसरा का क्या है यहाँ पे, देखिए ये आपके सारे सारे क्या याद करने वाले हैं, न्यूमेरिकल तो आया नहीं है। अगर आप फिजिक्स में चाहते हैं कि सर मैं पूरा नंबर गेन करूं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो मेन मेन परिभाषा है उसको रख लो,
परिभाषा के साथ साथ आप क्या करेंगे, परिभाषा के साथ साथ उसके आपके जो भी फार्मूला है, क्या है आपके फार्मूला है, उसको रख लो बस, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा का यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश से बना हुआ प्रश्न है। ख वाला है किसी गोली उत्तर पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। वर्ण विक्षेपण या परिविक्षेपण क्या है आपको समझाना है। घ वाला है दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है और यह किस उम्र के व्यक्तियों का होता है, मतलब कि अगर कोई दूरदृष्टि निवारण का दो, अब देखिए दूरदृष्टि दोष है क्या सबसे पहले, और आपको बता दूं डी यू एन ए वाला लगाइएगा, डी यू एन ए मतलब कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट, डी यू एन ए और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, अवतल और उत्तल इस प्रकार से याद कर सकते हैं। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती है लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती, उसे क्या कहते हैं दूरदृष्टि दोष कहते हैं। फिर अंगा वाला है तरंगाग्र किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं तरंगाग्र से। और किरचाप का द्वितीय नियम आपको लिखना है कि किरचाप के नियम कितने हैं, आपको ये लिखना है। उसके बाद आपका लघु उत्तरी प्रश्न देख सकते हैं, क्या है आपका लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर चार है यहाँ पे, किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे चार का क है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, और तीन आवेश है Q1 Q2 और Q3 जो कि आर भुजा वाले संभाव त्रिभुज के कोने पर स्थित है, और इस निकाय की वैद्युत ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। उसके बाद ख वाला है कि वांडे ग्राफ जनरित का सचित्र वर्णन कीजिए। ग वाला है समांतर प्लेट संधारित की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, और घ वाला है अन ओमी परिपथ को उदाहरण सहित आपको समझाना है। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8×10^24 प्रति मीटर है तो उसका अनुगमन वेग आपको ज्ञात करना है, तो आपके क्या लघु उत्तरी। उसके बाद ये आपके पांचवा प्रश्न है यहाँ पे लघु उत्तरी में, जैसे हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको बताना है। अब हाइगेंस वाला जो है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, क्योंकि आपके बोर्ड प्री बोर्ड और साथ ही साथ हाफ ईयरली मैं प्री बोर्ड भी करा दूंगा, और यार यूपी बोर्ड की तरफ से जारी भी कर दिया गया मॉडल पेपर, ठीक है ना। तो मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है आप लोग उसको भी देखना शुरू कर दीजिए, जिसका मैं वीडियो आपको लगातार अपलोड करके पढ़ा रहा हूँ चैनल के माध्यम से। उसके बाद खवाला एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन कीजिए तथा आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। फिर खवाला एक लेंस मेकर सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 को क्या करना है आपको निगमन करना है। उसके बाद खवाला है कि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण पर अपवर्तित होती है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का क्या 2 गुना हो तो प्रिज्म कोण का यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है। उसके बाद अंगा वाला है कि 2 तरंगिकाओं की तीव्रताओं का अनुपात कितना है, 25:16 है, तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, और दोनों तरंगों के व्यतिकरण के पश्चात महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न है कि 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना, 3 दिए हैं 2 देना है, जैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का मॉडल क्या है इसके आधार पर ओम का नियम सिद्ध कीजिए। और ख वाला है किसी वैद्युत ध्रुव के कारण इसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र आपको प्राप्त करना है। उसके बाद ग वाला है कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है, तो परिपथ के स्रोत का वैद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पे कि पदार्थ के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन कोष्टक में क्या यहाँ पे a+λm/2/sin a/2 तो उसका सूत्र आपको निगमन करना है। और प्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है यहाँ पे, इसको भी आपको प्राप्त करना है w = dλ/d, इसको आपको क्या करना है प्राप्त करना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक पारदर्शी माध्यम का द्रोण कोण 60 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण आपको ज्ञात करना। तो देख सकते हैं आपके हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, सभी जिले का जो भी पेपर है मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माध्यम से, तो देन आप लोग केवल आपको क्या करना है पढ़ाई करना है और टेंशन मत लो। जिस प्रकार मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूँ ना, इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा की बहुत बेहतरीन तैयारी करवाएंगे आपके चैनल यूट्यूब चैनल एसके मिशन के माध्यम से। तो देन यार मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ यार वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे, मुझे इस बात की पूरा आशा है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।